आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि इल्यूजमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसी के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके माध्यम से अपन देखेंगे कि इल्यूजमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है, एंड इल्यूजमेंट वर्क करने का क्या तरीका होता है और किस तरह से आप मार्केट में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है और इस स्ट्रक्चर में अभी तक अपन इतने में समझेंगे कि इल्यूजमेंट क्या होता है एंड इसका काम करने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, अप जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देन मार्केट यहाँ से पूरा अप मूव दिया एक, ठीक है। बट इसके बीच में क्या, मार्केट ने यहाँ पे भी एक करेक्शन दिया है, यहाँ पे भी एक करेक्शन दिया है, यानी यहाँ पे भी मार्केट ने करेक्शन दिया है, यानी यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन। तो जब मार्केट अप जा रहा है तो इसको करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है एंड क्यों मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, तो इसको अपन समझने वाले हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके समझाऊंगा जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ पाएं। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से समझिए कि आज का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। देन मार्केट यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होके मार्केट सबसे पहले एक इम्पल्सिव मूव देता है, यानी कि यहाँ तक मार्केट जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट डाउन आता है। अब ये डाउन क्या आता है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, POI वगैरह कोई पेंडिंग हो, तो उसको मार्केट कैच करके देन थोड़ा सा नीचे मूव देता है, ताकि वो जितने भी यहाँ लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है बाई साइड में मूव लेने के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि कैंडल ने थोड़ा सा विक दिया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, देन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर देगा एंड देन मार्केट अगेन अपसाइड डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, ठीक है। तो यही सेम आपके साथ होता है, ठीक है। तो इसमें अपन समझेंगे कि इल्यूजमेंट क्या होता है। तो इल्यूजमेंट देखिए, जब भी मार्केट आपका ऐसे अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा, अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, फिर मार्केट अप गया, डाउन आया, देन इस बार अप गया, और इस बार मार्केट ने क्या किया, जो लास्ट वाला लो था, इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कि रिसेंट लो को। यहाँ पर मार्केट ये कि अगर मार्केट अभी करंटली रनिंग हो रहा है तो मार्केट को क्या करना है कि रिसेंट लो को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, चाहे विक स्वीप कर दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी मार्केट आपका रिसेंट लो को स्वीप करता है या कैंडल क्लोजिंग देता है, तो ये क्या होता है, आपका इल्यूजमेंट काम करता है, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आके मार्केट ने अपना विक स्वीप किया, ठीक है, यहाँ तक, और तो ये आपका क्या होगा, ये इल्यूजमेंट की तरह काम करेगा, इल्यूजमेंट, ठीक है। अब इल्यूजमेंट जब मार्केट ले लेता है तो ये क्या होता है कि आपका हाई कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट जो है वो डाउन साइड ले सकता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाई बोल सकते हैं, मैं इसको मार्क कर लिख देता हूँ, ये आपका हायर हाई कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये हाई कन्फर्म हो गया। देन अब आपका मार्केट कैश स्ट्रक्चर देगा, आपका मार्केट क्या करेगा, हाई कन्फर्म होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अप जाएगा, यहाँ तक अपसाइड में एक मोमेंटम देगा। अब आपकी मिस्टेक क्या होती है कि जैसे ही मार्केट ने, आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह के से आपने ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने आपका यहाँ पे ये लो जो पॉइंट था इससे नीचे ब्रेक दिया, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एंट्री प्लान कर लेंगे एंड देन आप यहाँ क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट सेट कर लेंगे। बट मार्केट क्या होता है, कई बार आपके स्टॉप लॉस को हंट करके देन यहाँ तक कहीं पे भी एक मोमेंटम देके वापिस जिस साइड में आपने डायरेक्शन प्लान किया था उसी साइड में मार्केट वापिस आपका यहाँ तक आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया आपने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही एंट्री पुटअप की, तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली एंट्री नहीं डालनी, इल्यूजमेंट लेने के बाद में सेम इल्यूजमेंट आपको यहाँ कहीं देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आया देन यहाँ तक मूव दिया, तो आपका मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक अगेन जा सकता है, ठीक है, यह आपका एक एंट्री ट्रिगर पॉइंट यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या करेगा कि मार्केट मान लीजिए कुछ इस तरीके से आप समझ जाएंगे इस चीज को, तो
मार्केट ने यहां तक वापस गया, ठीक है, मैं आपको दोबारा बना देता हूँ स्ट्रक्चर। यहां से आने के बाद मार्केट ने क्या किया, हल्का सा मोमेंटम दिया यहां तक, ठीक है, देन मार्केट आपका नीचे आता है, ठीक है। अब ये मार्केट यहीं से नीचे गया, ये भी अपन सबसे, देन यहाँ पे गया, देन आपका मार्केट फिर अगेन आया नीचे, फिर एक एंट्री ट्रिगर की, देन ये गया, देन ये अपने वापिस, ठीक है। अब समझिए क्या हुआ, आपने क्या किया, जैसे ही आपका मार्केट या इल्यूजमेंट लेता है, या आपका हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है, ये आपका हाई कंफर्म हो चुका कि मार्केट अब जो है लो की तरफ यहां से जाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि आपका यहाँ पे कोई पीओआई हो सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है कोई आईएमबी इम्बेलेंस बचा हुआ हो, ठीक है, हो सकता हो, या कोई कैंडल अनमिटिगेटेड है, जो भी हो, कुछ भी जो हो, उसको मार्केट यहाँ से देन टैप करेगा, एंड देन मार्केट आपका नीचे मोमेंटम लेगा, ठीक है। बट आपको जब भी यहाँ एंट्री ट्रिगर करनी है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, एंड एंट्री पॉइंट्स देखने कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, नहीं चाहिए। चलो आपका मार्केट यहाँ नीचे आ जाता है, देन अगेन यहाँ पे फिर करेक्शन करने जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन करने मार्केट फिर आया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो जब भी आपका मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देगा, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आपका मार्केट नीचे जा रहा था, देखिए फिर मार्केट ने क्या किया, रिसेंट लो, रिसेंट हाई जो बना इधर, क्योंकि इस साइड आएंगे तो लो है, इस साइड हाई मानो या अपर मानो, कैसे भी आप समझो अपने अकॉर्डिंग, तो मार्केट क्या करा, अगेन यहाँ पर रिसेंट जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको अपन आईडीएम समझेंगे अभी के लिए, ठीक है। ये आपका रिसेंट वाले हाई को मार्केट ने लिया, तो ये आपका इल्यूजमेंट हो गया, ठीक है। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद क्या हो गया, ये आपका लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने लो बना दिया, तो इससे नीचे नहीं जाएगा, बट मार्केट जा सकता है। आपको स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें देखनी है कि मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, एंड किस तरीके से मार्केट आपका काम करेगा, ठीक है। ये लोअर लो मैंने मार्क कर दिया कि सबसे लो यही है अपना पॉइंट, ठीक है, ये आपका लो पॉइंट हो गया। देन अगेन मार्केट इससे अब गया, तो अब इसको अपन लिखेंगे बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी तरह मार्केट आपका अप गया, देन इस अप को अगर मार्केट ने इस रिसेंट वाला जो हाई था उसको ब्रेक करता है, तो आपका इल्यूजमेंट होगा, और जो मेजर वाला आपका ये वाला हाई है इसको ब्रेक करता है, तो देन आपका क्या होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी चौच, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो चुका, मार्केट वापस अब मोमेंटम में आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सिनेरियो और बढ़ाते हैं। मान लीजिए अब आपके मार्केट ने हल्का सा मोमेंटम दिया इतना, फिर मार्केट इतना गया, ठीक है, इतना जाने के बाद मार्केट ने, ये इतना बड़ा मोमेंटम दिया, देन मार्केट अप गया, फिर हल्का सा एक मोमेंटम दिया, मार्केट ये अप गया, देन यहां पे आया, देन आपका मार्केट अब जाता है वापस, ठीक। ये सेकंड केस होगा। अब समझिए यहां पे हुआ क्या आखिरकार, देखिए मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि कभी कभी मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए इस तरह से छोटे छोटे मोमेंटम दिखाएगा। इन मोमेंटम में आपको ट्रैप नहीं होना है कि आपने तो कहा था रिसेंट वाला जो भी आपका लो रहेगा उसको मार्क करके आप इल्यूजमेंट समझेंगे, ठीक है, आपने इसको इल्यूजमेंट समझ लिया, तो आपका ये हाई कंफर्म होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा एंट्रीज पे आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, क्योंकि इसने क्या किया, देखिए यहाँ से इसका जो करेक्शन था बहुत ही कम है, यानी कि ये फेक क्या है, आपका फेक इल्यूजमेंट है ये, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं करेगा, इसलिए मार्केट ने क्या किया, आपका मार्केट फिर ब्रेक कर दिया यहाँ से अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको चेक कैसे करना है कि रियल कौन सा होगा, तो ये देखिए इससे करते हैं। देखिए इस साइड में जब मार्केट ने करेक्शन किया था, तो यहाँ पर मार्केट ने 22 पिप्स के अप्रोक्सीमेटली लिया, देन यहाँ पे भी 20 से 22 आया, लेकिन यहाँ पे इसका आधा भी नहीं लिया मार्केट, बिल्कुल भी नहीं लिया, ओनली सिर्फ 8%, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट का मोमेंटम क्या है, तो इनको थोड़ा अवॉइड भी करना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फेंक होंगे, इनसे आपको बचना रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मार्केट का आगे मोमेंटम चल रहा है, यहां से मार्केट आता है, देन आपको कभी इतना बड़ा भी देखने को मिलेगा,
इतना बड़ा आपको इल्यूजमेंट लेना पड़े एंड देन मार्केट यहाँ पे डाउन है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है उस पर चलते हैं। यहां से मार्केट ने मोमेंटम लिया अगेन, समझिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। जब ये हाई कंफर्म हुआ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस लो को ले लिया। तो लो लेने के बाद ये क्या हो गया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी इल्यूजमेंट, रिसेंट बता रहा हूँ अभी। मान लीजिए आपका रिसेंट है इतना बड़ा, ठीक है, आपको कभी कभी इतने भी बड़े देखने को मिलेंगे, तो आपका ये रिसेंट वाला इल्यूजमेंट है। इल्यूजमेंट लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, दो चीजें रहेगी, थर्ड स्टेप। इल्यूजमेंट के नीचे आपको देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक, रिसेंट पीओआई, ठीक है, ये फेयर वैल्यू के। ज्यादातर मार्केट 50% केस में क्या होगा कि जब भी आपका इल्यूजमेंट लेगा, वहां से टैप करने के बाद अगर मार्केट अपसाइड में, तो मार्केट अपसाइड में जाएगा। मार्केट ने यहाँ टैप किया देन अप गया, तो ये आपका रियल बॉस। जब आपका मार्केट इल्यूजमेंट लेगा देन उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तो वहां पर आपको रियल बॉस मिलेगा, अदरवाइज ये फेंक होगा। अगर मार्केट यहीं से इसको मूव कर जाता तो इसको मैं क्या करता, इस बॉस को यहाँ पर फेंक लिखता, क्योंकि फेंक है प्रॉपर नहीं, कई लोग इसको बॉस भी लिखते बट ये गलत होगा, ठीक है। प्रॉपर के लिए आपका इल्यूजमेंट लेना चाहिए, इल्यूजमेंट लेगा तभी उसको अपन रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ओके, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेने के बाद अब मार्केट आपका इतना डाउन आता है क्योंकि इससे पहले कोई करेक्शन है ही नहीं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इल्यूजमेंट होगा। इल्यूजमेंट लेने के बाद ये आपका फिर अगेन हाई कन्फर्म हो गया ऊपर वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका ये हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो इस हाई को अगर मार्केट कन्फर्म कर देता है देन उस केस में अपन क्या करेंगे, सॉरी ये हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब हाई कन्फर्म हो गया तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर पीछे जो भी कोई पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बेलेंस जो भी बचा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पीओआई ऑर्डर ब्लॉक को, अगर अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, उसमें ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई की वीडियो देखे। यहाँ से जाने के बाद मार्केट क्या करा, फिर अगेन आपका अप मोमेंटम लेगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में, सॉरी इल्यूजमेंट के बाद में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई या इम्बेलेंस कुछ भी बचा हुआ है, लिक्विडिटी वगैरह, मार्केट उसको टैप करेगा देन मार्केट अपसाइड में जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपका अगेन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट क्या करता है, आपका अगेन डाउन आता है। डाउन आने के बाद में यहाँ पर मार्केट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, यानी कि आपका इल्यूजमेंट नहीं लिया, अभी सिर्फ इल्यूजमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं, बाकी अदर वीडियोस में अदर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। इल्यूजमेंट नहीं लेता है देन मार्केट आपका यहाँ से क्या करता है, अब जाता है, कुछ इस तरीके से अब जाता है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, आपका फेंक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है मार्केट, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर तो लिया ही नहीं इल्यूजमेंट आईडीएम, तो मार्केट अप कैसे गया। कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ था, मार्केट डायरेक्ट उसको टैप करके भी जाता है, कई बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आता है उसके भी लेके ऊपर जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे केस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको मैंने एक सिनेरियो समझा दिया है कि इल्यूजमेंट क्या होता है, इससे हाई एंड लो आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं, और मैंने इसमें आपको 3 से 4 तरह के एंट्रीज मॉड्यूल बता दिए। अब आप चार्ट पे चलते हैं, करंट चार्ट अपन देखते हैं, ये आपका करंट चार्ट है, ठीक है। इसे अपन में बात करते हैं, आज के इस बात कर लेते हैं, देखिए डाउन से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आ रहा है, यहां मार्केट आया देन मार्केट यहाँ विक स्वीप किया, हाई गया देन मार्केट लो गया, फिर हाई, फिर ये थोड़ा बहुत लो,
इस तरीके से कुछ मार्केट का मोमेंटम है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपको साइड में निकाल के दिखाते हैं कैसे है। इस तरीके का सिनेरियो है, देखिए। अब तो सबसे पहले मार्केट का सिनेरियो क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ से आया, ऊपर कुछ था नहीं तो यहाँ तक आया मार्केट, अगेन मार्केट यहाँ गया, अब गया वापस। अब देखिए इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि मार्केट आपका यहाँ पे तो आया लेकिन इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये आपका मेजर सिनेरियो बनाया मैंने, ये वाला पॉइंट देखते हैं अभी इसमें। तो आपको क्या करना है, इसको मार्क कर लेना इस तरीके से, ये आपका इल्यूजमेंट है, ठीक है। हाई और लो पॉइंट आपको ढूंढना है, वहीं पे आपको इल्यूजमेंट देखने को मिलेगा, ये आपका इल्यूजमेंट होगा। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद क्या होता है कि अपने को देखना होता है कि अपना पीवाई कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, देन मार्केट का मोमेंटम कैसा होगा। तो अगर अभी आप देखना जानते होंगे तो आई थिंक आप बता सकते हैं, ये आपका इसमें ये FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप, यानी कि 3 कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है 1 और 3 के बीच का, उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल यानी थर्ड कैंडल, इसके बीच का जो गैप है वो फेयर वैल्यू था। अब देखिए मार्केट यहाँ से क्या गया, इस तरीके से गया, तो ये आपका जो पॉइंट है इसका लो, ठीक है, इस पॉइंट का लो आपको देखना है। तो लो कौन सा है, बीच में देखना है, ऐसा नहीं ये देख लिया ये देख लिया, यानी कि जहां से आपने ये इल्यूजमेंट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये गैप देखना है। कौन कौन से गैप बता देता हूँ, इस गैप से लेकर ये जो गैप है, ऐसा गैप बनेगा आपके बीच में, ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे हर बार, ठीक है। तो इससे लेकर इस पॉइंट के बीच में सबसे लो देखना है, सबसे लो पॉइंट ये है, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक लो पॉइंट हो गया, लोअर लो अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका लो पॉइंट कंफर्म हो गया कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, अपन यहां से एक अपसाइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लो कंफर्म हो चुका है, मैंने इसको रेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखते, अब मान लीजिए ये आपका FVG है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और लास्ट तो जो सेलिंग कैंडल होती है, अगर मार्केट बाय जा रहा है तो लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी PY हो जाएगी, तो यहाँ से पूरा एक PY आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं, अभी अपन सिर्फ इल्यूजमेंट देख रहे हैं। अब इससे अगर ऊपर मार्केट ब्रेक करता है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जहां पर आप बाई की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है, देखिए आपका मार्केट अपसाइड में गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब देखिए अपन को कैसे करना है, मैं इसको कट करके, इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट को यहाँ धीरे धीरे चलाते अपन, ठीक है। देखिए इनसाइड बता रहा हूँ, इनसाइड का सिस्टम है पूरा अभी तक, क्योंकि अपन बाहर नहीं गए भी। देखिए ये आप एक इसको इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको समझिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी ये इनसाइड स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं इसके अंदर, कि इनसाइड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक। मार्केट ने क्या किया, सिर्फ इतने पे ध्यान देना है, मार्केट यहाँ से डाउन आया देन अप गया, तो ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने इसको एक्स लिखा है अभी। अब मार्केट क्या करेगा कि रिसेंट वाला अपना जो लो है अपन इसी को मान रखा, ये बाकी लो नहीं देखने, ये वाला, ये अपना लो, अगर मार्केट इसको लेता है तो देन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, देन यहाँ पे मार्केट अप जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आके देन मार्केट अप जाएगा, या डायरेक्टली भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो रीसेंट हाई लो आपको देखना है, देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है। देखिए मार्केट ने ये लो नहीं लिया, देन अगेन मार्केट डाउन आया, यहाँ पे लो बनाया थोड़ा सा और मार्केट फिर अप चले गया, ठीक है। अब ये इल्यूजमेंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कि मार्केट अगर इस इल्यूजमेंट पे आता है तो देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई POI, कुछ भी चीज यहाँ पे देखूंगा,
देन मैं यहाँ से एक बाई की एंट्री प्लान करूंगा। आगे देखते हैं। देखिए मार्केट नहीं आया तो अपन इसको आगे स्वीप कर देते हैं। यहाँ पे भी मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो अपन यहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह प्लान करेंगे। और यहाँ पे आप रिसेंट में देखना, यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं, बट आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें आपको देखना है, देन उसके बाद एंट्री लेना है। कैसे एंट्री आप ले सकते हैं, एंट्री मॉड्यूल क्या होगा, इस तरीके से आपको प्लान करते हुए चलना है। देखिए मार्केट नहीं आया तो आपका रिसेंट वाला लो जो है ये एल्यूजमेंट हो गया, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर मार्केट रियल देगा तो। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, कैंडल क्लोज करेगी। सिर्फ विक स्वीप करने से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ उसमें इल्यूजमेंट आपका वर्क करेगा। ठीक है, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल स्वीप होनी चाहिए। अब ये कैंडल स्वीप नहीं हुई तो इस कैंडल के ऊपर से अपन देखेंगे, ऐसे ऊपर बढ़ते जाना तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन माना इसी कैंडल के ऊपर से जाएगा रियल। ठीक है, बट यहाँ पे क्लोज हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हो थोड़ा। मार्केट ने फिर हाई बनाया, अपन थोड़ा थोड़ा स्वीप करते जाएंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे नहीं आया मार्केट, एल्यूजमेंट को आप डायरेक्ट ऐसे ऊपर नीचे ट्रेल करते जाना है। फिर मार्केट अब गया। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे अब गया, मार्केट यहाँ पे इसने एक मार्केट ने क्या किया, देन मार्केट अब गया यहाँ पे एक विक स्वीप की, तो आपका रिसेंट इल्यूजमेंट ये होगा। ठीक है, इल्यूजमेंट। अब इल्यूजमेंट के बाद देखिए क्या क्या चीज बची हुई है। सबसे पहले ये अपना FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक साथ मार्क कर रहा हूँ मैं। FVG ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ बचा हुआ है, एक यहाँ पे भी बचा हुआ है। ये ठीक है, एक इतना बचा हुआ है आपका तीनों कैंडल्स का। ये पूरा का पूरा FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ये इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG हो गए। अब इसमें से काम कौन सा करेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब ये समझ गया आपको, अब इसमें आपको लो कंफर्म करना इजी हो जाएगा। जैसे ही आपके मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो मैंने बताया था जहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है उसका लो, तो ये वाला पॉइंट लो है तो ये लो भी ट्रेल होता हो जाएगा, ये आपका लो पॉइंट हो गया आपका, ये लो वाला हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए अब इसमें दो चीजें, या तो मार्केट ये लास्ट वाला आपका लो लेगा अगर लेता है तो, क्योंकि एक्सट्रीम मेजर एंड माइनर ये दो ही काम करेंगे यहाँ पे, या तो ये लेके मार्केट अप जाएगा या फिर ये लेके मार्केट अप जाएगा। देखते हैं कौन सा सिनेरियो है, दोनों में से जो भी बेटर सिनेरियो होगा मार्केट काम करेगा। बाकी 50 चांस होते हैं कि मार्केट ही तो बीच वाले ये भी ले सकता है, पॉसिबिलिटी किसी की भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं मार्केट किसको लेके अप जाता है। देखिए मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जस्ट इसको टैप किया। टैप करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो आपको मार्केट अप्रोक्सीमेटली कितना दे गया, यहाँ पर आपको 14 से 15 पिप्स का आराम से देके जाएगा मार्केट, 60 पिप्स का भी देके जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं मोमेंटम कैचअप करना था तो। मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर इल्यूजमेंट लेने के बाद में क्या किया, जस्ट मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा इल्यूजमेंट लिया। इल्यूजमेंट लेने के बाद में आपका ये जो यहाँ पर FVG ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप नहीं किया, सिर्फ FVG को ही किया है सर। हाँ, हल्का सा FVG को टैप किया, देन मार्केट अप मोमेंटम ले गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ये अब आपकी जो एंट्री है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, ये यहीं पे एक ही बार काम करती है, ये मिटिगेट हो चुकी है, यानी कि ये काम में आ चुकी है, अब काम में नहीं आएगी। अब देखिए जैसे ही आपका ये हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है, ये मार्केट आपका यहाँ पे हाई कंफर्म कर देता है तो मार्केट देखिए अब ऊपर गया तो पूरा ऊपर नहीं गया, यहाँ ही से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर क्या किया मार्केट डाउन आ गया। अब देखते हैं कहाँ तक मार्केट डाउन अप जाता है। देखिए मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पे,
ठीक है, कि जब आपका लिक्विडिटी का चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें आप पढ़ेंगे। लिक्विडिटी यानी कैंडल क्लोज नहीं होती, उसमें से विक्स वगैरह स्वीप होते जाते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की तो ये आपका क्या होता, ये रिसेंट वाला आपका इल्यूजमेंट, ये आपके मार्केट इनसाइड स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आईडीएम कन्फर्म हो गया। तो अब आपका हाई कौन सा हुआ, सॉरी लो पॉइंट ये वाला कन्फर्म हो गया, ये आपका लो पॉइंट कन्फर्म हो गया, इसको अपन रेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मार्केट ने ये वाला टैप किया, हल्का सा टैप किया, देन मार्केट अप गया। ठीक है, मैंने बताया था कंफर्म अपन नहीं कर सकते डायरेक्टली, सिर्फ अपने को यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल देखने, चौक बॉस एंट्री देखनी, राइडियम देखना, तीनों स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको एंट्री प्लान करनी है, डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, देन आगे देखिए अब मार्केट का। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने अभी तक यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की हल्के से। ठीक है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी यानी कि ये जो विग है उसको स्वीप किया है। तो कई बार क्या होता है, ये भी एक एंट्री मॉड्यूल है, कि मार्केट विग स्वीप करके भी डाउन जाता है, तो देखते हैं इसका क्या सिनेरियो रहता है, विग स्वीप करता है या सिर्फ कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, मार्केट ने विग स्वीप किया, अब आपका ये हाई जो है यहां से शिफ्ट होके आपका हाई ये हो चुका है। ठीक है, अब ये जैसे हाई कंफर्म हुआ तो मार्केट ने यहाँ पर रीसेंट वाला जो लो था इसको ले लिया, आपका ये इल्यूजमेंट कंफर्म, ये हाई कंफर्म। ठीक है, यहां से फिर कोई एंट्री आपको प्लान करनी है, देन देखते हैं क्या स्ट्रक्चर रहता है, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रहा मार्केट। देखिए पूरा का पूरा इनसाइड स्ट्रक्चर चल रहा है अभी, इतना सारा इसमें कुछ मोमेंटम नहीं दे रहा मार्केट, अप डाउन एंड बीच से। ठीक है, देखिए मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इस वीक से जब आपका मार्केट यहाँ पे आएगा, ये आपका हाई कंफर्म हो चुका था, तो ये मार्केट ने यहाँ पर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तो ये जो इसका लो होता है इस पूरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ये आपका लो कन्फर्म हो गया। ठीक है, यही चीज़ देख के आज मैंने दिन में यहाँ पे एक एंट्री भी प्लान की थी। ठीक है, यहाँ से एंट्री ली थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एंड यहाँ पे ये जो है ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, डायरेक्ट मार्केट में लिया, मैंने पूरा एंट्री प्लान किया। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो कैंडल्स है ये अपसाइड की तरफ डायरेक्शन है, पीछे से भी अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे ये सारा कुछ अपसाइड की तरफ ही देखें, पूरा अपसाइड प्लान है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपसाइड यहाँ पे इसने ब्रेक दिया, देन मैंने एंट्री प्लान की। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, अभी सिर्फ इल्यूजमेंट बता रहा हूँ इसमें। अब आपका रीसेंट क्या होगा, ये आपका यहाँ पर रीसेंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका इल्यूजमेंट होगा। हाँ बिल्कुल, अगर इतना डाउन मार्केट आता है देन आपका तभी ये कंफर्म होगा, अदरवाइज अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आगे देखते हैं, मार्केट कुछ ऊपर बनाता है नहीं बनाता, देन मार्केट आया, मार्केट ने कुछ भी नहीं लिया, देन मार्केट अप स्वीप हो गया, तो अब आपका ये जो है यहाँ पे स्वीप हो जाएगा, हल्का हल्का इसको स्वीप करते हुए चल रहा है। जब भी ये मार्केट ले ले, लो कंफर्म करके एंट्री प्लान करना है वहां पे आपको। देखते हैं इस बार मार्केट लेता है नहीं था। बिल्कुल, आपके मैंने एक यहाँ सेकंड एंट्री प्लान की थी, मार्केट ने ले लिया। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ भी रिसेंट नहीं है,
तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि ये जो होते हैं यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से प्लान करना है, आपको बाद में सीखने को मिलेगा सारी ये। दूसरी चीज यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेंस रजिस्ट्रेंस, ये 5 बार रजिस्ट्रेंस, देन मार्केट ब्रेक किया, ये सपोर्ट बन गया, देन ये अगेन सपोर्ट का यहाँ काम कर सकता है। यहाँ से भी इस तरह मैंने एक एंट्री प्लान की थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, लिक्विड मार्केट ने इल्यूजमेंट ले लिया था और ये इसको ब्रेक करता है, तो ये लो ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, तो अब आपका जो ये इल्यूजमेंट है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे जैसे शिफ्ट हुआ तो आपको क्या करना है, रिसेंट वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक पीओआई है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गेप, और ये एक नीचे भी बचा हुआ है, ये इतना आपका पेंडिंग है पूरा का पूरा, ठीक है। मार्केट जिसको भी टैप करेगा आप वहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक करंट सिनेरियो यही चल रहा है, मार्केट अप ही जा रहा है, डाउन नहीं आया, तो जब भी आपका मार्केट डाउन आएगा आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको समझ में आएगा इल्यूजमेंट क्या होता है, किस तरह से आपको मदद लेगी इसको एंट्री फाइंड आउट करने में। आप इसको प्रॉपर समझिएगा तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।